हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज हम देखेंगे अपने एसपी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 7। तो लास्ट लेक्चर तक ऑलरेडी हम लोग ने पार्ट 6 तक कर लिया था, तो आज देखेंगे पार्ट 7 जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे कमर्शियल बैंक्स। तो गाइज जितने भी हम लोग ने अब तक फंड देखे हैं, बोरोड फंड देखे हैं, ओट फंड देखे हैं, उसके अंदर कमर्शियल बैंक भी इक्वल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कमर्शियल बैंक वही बैंक होता है जो आप नॉर्मली आप बैंक देखते हो, वही वो लोग भी कंपनी को पैसे देते हैं। देर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। जितने भी अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या करेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे मिलता है। अमोंग दिस द कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट अ मोस्ट प्रीडोमिनेंट सोर्स। कमर्शियल बैंक एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा स्रोत है जहां से वो लोग पैसे ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। कितना जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग होता है भारत के अंदर, उसमें एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड। जैसे लोगों की नीड होती है वो हिसाब से अलग अलग वे से वो क्या करता है, पैसे प्रोवाइड कर सकता है। मॉप अप विद सेविंग ऑफ पीपल, लोगों के अंदर सेविंग हैबिट भी ये बनाता है, लोग पैसे अपने जमा करते कहां पे, कमर्शियल बैंक में। मेक यूज ऑफ दिस सेविंग टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जो हम सेविंग करते हैं बैंक के अंदर, वही सेविंग का यूज करके कमर्शियल बैंक जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन लोगों को लोन देती है। आगे देखेंगे किस तरह का असिस्टमेंट देती है, लोन देती है कंपनीज को, कमर्शियल बैंक लोन देती है और क्या करती है, उनके शेयर और डिबेंचर को सब्सक्राइब कर लेती है और क्या करती है, बाय अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। कंपनी का कंपनी अगर कोई भी शेयर इश्यू करती है और वो शेयर उनका बिकता नहीं है तो कमर्शियल बैंक अंडरराइटर बनके उनका शेयर भी खरीद लेती है। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी का बचा हुआ शेयर खरीदते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो, समझ सकते हो। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म फाइनेंस देने का भी काम करती है, किसको देती है, कंपनीज को देती है। दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो लोग किसी भी फाइनेंस का प्राइमरी सोर्स बन जाते हैं। वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का वर्किंग कैपिटल बनते हैं, यानी जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजों की जरूरत पड़ती है, जितने पैसे लगते हैं वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर देती है। इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर द बैंक क्रेडिट एंड द ट्रेड क्रेडिट। या तो उन्हें बैंक क्रेडिट मिलेगा यानी डायरेक्टली पैसा मिलेगा, या तो ट्रेड क्रेडिट लाइक कंपनी कोई सामान खरीद रही है और वो सामान उधारी पे ले ले और उसके बदले में पैसा बैंक भर दे, तो उसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। आगे देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चीज बैंक करती है कंपनी के लिए। मेनी इनोवेटिव स्कीम, अलग अलग स्कीम है, जिसमें पहला जो है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है और आप बिजनेस चला रहे हो, आपने बैंक अकाउंट खोला, तो आप नॉर्मल अकाउंट न खोल के आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी करंट अकाउंट होता है जिसके अंदर कोई भी बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है ताकि फ्यूचर में अगर उसके पास पैसे न भी हो तो उसके अंदर उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाए। लाइक आपने बैंक में डाले 40 लाख और आपको अब जरूरत पड़ गई है 60 लाख रुपए की, तो आप बैंक में से 60 लाख निकाल सकते हो, 20 लाख ओवरड्राफ्ट हो जाएगा जिसपे कुछ चार्जेस लगते भी है, समटाइम नहीं भी लगते हैं, वैसे चार्जेस होते हैं, तो वो आप फैसिलिटी आपको मिल जाती है किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखते हैं होता क्या है। कंपनी हैविंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक अलाउड अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जिस कंपनी के पास ओवरड्राफ्ट अकाउंट में लाइक करंट अकाउंट होता है उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। बोरोवर कैन विड्रॉ फंड एंड एज एन वेन नीड, जब भी उनको जरूरत पड़ती है पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट पैसे भी निकाल सकते हैं। क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय बैंक, जितना बैंक सैंक्शन करेगी उतना वो लोग पैसे उसमें से निकाल सकते हैं। विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ड्रॉइंग आर परमिटेड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितना चाहिए उतना पैसे वो लोग निकाल सकते हैं। रीपेमेंट कैन बी मेड व्हेनेवर रिक्वायर, जब उन्हें चाहिए तो वो पैसा रिटर्न उनके कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, कितना अमाउंट तुमने निकाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट तुम्हारा डिसाइड होगा। सेकेंड पॉइंट है कैश क्रेडिट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, ये भी एक तरीके का इम्पोर्टेंट होता है।
दिस फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन द सेम मैनर एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये सेम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ही जैसा होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क क्या है? बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी मार्जिन के अंतर्गत रह के कोई भी कंपनी बैंक में से इतने सारे पैसे निकाल सकती है। कैश क्रेडिट इज गिवेन अगेंस्ट द प्लेज और हाइपोथेकेशन ऑफ गुड्स। मतलब कुछ गुड्स, कुछ ऐसी चीजें गिरवी रखनी होती है जिसके बाद वो पैसे निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट इज चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, कमर्शियल बैंक चार्ज करती है, एंड नॉट ऑन क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। थर्ड क्या है? कैश लोन। लोन एक नॉर्मल लोन जैसा हम बोलते हैं, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है किसको? कंपनीज को प्रोवाइड करती है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से सुनना, ये चीज होता क्या है। लाइक आप हो सेलर, आप कौन हो? सेलर, जिन्हें ड्रावर बोला जाता है। आप हो सेलर और कोई आपके सामने है बंदा, वो है बायर जो आपसे सामान खरीद रहा है। आप हो सेलर, आप सामान बेचते हो, आप जो सामान खरीदेगा उसके पास अभी पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं है तो वो क्या देगा आपको? वो एक बिल दे देगा। वो बिल ले जाके आप बैंक में डालते हो, बैंक आपको उसके बदले पैसा दे देती है, वो बैंक को बाद में पैसे भर देगा। नॉर्मल ओवरऑल यही चीज कहानी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। देखते हैं ड्राइवर कौन है? सेलर है। इट कैन रिसीव अ मनी फ्रॉम द ड्राइवी, वो पैसे ड्राइवी से ले रहा है, ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। या तो ड्यू डेट पे पैसे मिल जाए या ड्यू डेट के बाद पैसे मिलेगा। ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर कैन रिसीव अ मनी बिफोर ड्यू डेट। ड्राइवर जो होता है, आपकी बात कर रहा हूं, आप अगर सेलर थे, आप पैसे क्या करोगे? ड्यू डेट के पहले भी आपको मिल सकते हैं। कैसे? बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। बैंक के साथ अपना बिल क्या करो? डिस्काउंटिंग कर दो। लाइक अगर आपको 1 लाख का माल आपने बेचा था, लेकिन आपको पैसे वो अभी नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि आपको पैसे मैं 30 तारीख को दूंगा, मगर आपको 25 तारीख को पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप वो बिल ले जाओ बैंक में दे दो, बैंक आपको 90,000 दे देगा। वो 10,000 जो वो नहीं देगा उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग द बिल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को रिवर्स करके वापस से देख लेना, रिपीट करके देख लेना है पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद भी समझना है तो टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लिंक को जल्दी से फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। द बैंक गिवन अ मनी टू ड्राइवर लेस देन फेस वैल्यू ऑफ अ मनी, फेस वैल्यू से कम मिलता है, मैंने बताया आपको 10 लाख का 90 लाख 90,000। दस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तरीके का ट्रेड बिल होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का ट्रेड बिल होता है। दे आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक एंड कैश एडवांस अगेंस्ट देम। बैंक एक्सेप्ट करता है और उसे कैश एडवांस देता है। आगे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जो ये सारी चीजें देते हैं। पहला क्या है इसके अंदर? 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 ने क्या बोला? रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अ कंपनी। भारत में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चालू हुआ 1948 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया ताकि ये लोग क्या कर सके, ये लोग कंपनीज को पैसे प्रोवाइड कर सके। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, छोटे समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है कंपनी को तो यही सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोग वो लोग को प्रोवाइड करते हैं। द असिस्टेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द न्यू कंपनीज। तो ऐसे ऐसे कंपनीज हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहले तो डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है? आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआई और सिडबी, आरबीआई जो रहता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके अंदर है डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और आईआरबीआई, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आरसीटीसी, आईटीडीसी, इंपॉर्टेंट आपका ये सब रहने वाला है आपका जो दिख रहा है आईसीआईसीआई, सिडबी। सिडबी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, आईडीबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे एलआईसी है, यूटीआई है, जीआईसी है, सीएफसी। आगे इन सब के फुल फॉर्म और उनके
लाइक उसके अंदर क्या क्या आता है वो दिया हुआ है। जैसे डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सिर्फ दो चार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम अच्छे से याद रखने हैं जो कि आपको पूछा जाता है। आगे है आपका ट्रेड क्रेडिट, ये भी एक तरीके का लोन, एक तरीके का फंड है जो कंपनी लेती है। कैसा होता है वो, मतलब जैसे आपने सामान खरीदा और सामान आपको उधारे में मिल जाए और फ्यूचर में आप उसका पैसा पे कर सकते हो तो उसे ट्रेड क्रेडिट आप बोल सकते हो। नो बिजनेस कैन रन विदाउट ए क्रेडिट, उधारी के बिना कोई बिजनेस चलता नहीं है। ट्रेड इज अ सोल ऑफ बिजनेस, जो क्रेडिट होता है वो सोल होता है, आत्मा होती है, क्रेडिट आत्मा होती है किसी भी बिजनेस की। इट क्रेडिट फैसिलिटीज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, एक जो क्रेडिट होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक रूप होता है, यानी कम समय के लिए आपको उधारी मिल जाए आप बाद में उसे पे कर दोगे। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, सप्लायर ऑफ अ गुड्स, मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर। जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो सामान को बनाता है, होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेलर के पास आता है, उससे उसके बाद सप्लायर के पास आता है, ये लोग ही तो होते हैं ट्रेड क्रेडिटर। दे सेल टेंजिबल गुड्स टू द अदर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये लोग अपने सामान को दूसरे लोगों को बेचते हैं डिफर्ड पेमेंट पे। डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पे करना, डिफर्ड में लिख के ले लो उसको। फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय दिस बिजनेस कंसर्न विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीज देयर सेल्स, ठीक है आप पैसे बाद में पे करो, ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनका सेल्स क्या उसके बढ़ सके। बिजनेस फॉर्म एक्सटेंड क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम एंड द बिल्डअप ओवर टाइम, क्या होता है ये इन सब चीजों के लिए क्रेडिट देते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट ए कैश लोन, इट्स अ रिजल्ट ऑफ द क्रेडिट सेल, जो ट्रेड क्रेडिट होता है ये कोई कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या, सामान ले लिए और सामान के पैसा बाद में पे करो, यानी आपको ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है। विच हैव टू बी पेड एट ए फ्यूचर डेट आफ्टर सेल टेक प्लेस, मतलब सेल एक बार हो गया उसके फ्यूचर डेट में कभी भी आप क्या कर सकते हो, वो चीज ले सकते हो। When goods are delivered by the supplier to the customer, मतलब ये ओवरऑल पर ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये होता है। आगे और इसका मीनिंग है, इन डिस्ट्रीब्यूट टू ट्रेड इट काइंड ऑफ ट्रेड एंड सिग्निफिकेंस, द स्मॉल रिटेलर टू द लार्ज एक्सटेंट रिलाय ऑन ऑब्टेनिंग अ ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, जो स्मॉल स्मॉल रिटेलर होते हैं छोटे छोटे, वो लोग ज्यादातर ट्रेड क्रेडिट पे डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी आपको लाइक मीनिंग तो अब तक समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। सिर्फ 5 से 6 लाइन आपको अच्छे से रट के रख लेना है ताकि आपका आंसर थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे। तो गाइस इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में मैं नए चैप्टर के साथ आऊंगा, चैप्टर नंबर 3 को देखूंगा अच्छे से और उसको हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो इकोनॉमिक्स या तो उसी के साथ आगे आऊंगा, तो इसका डिस्टिंग्विश हम लोग कभी और कर लेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।